हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई होप यू आर ऑल वेल। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो आपके JKSSB के अकाउंट असिस्टेंट एंड फोर्थ क्लास के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से एब्सोल्युटली आपको क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में। सो ये हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमारी दो वीडियोज़ अपलोड हुई हैं JKSSB से रिलेटेड, जैसे लास्ट रूलिंग डायनेस्टी थी जो जम्मू कश्मीर की, उससे रिलेटेड, और एंड 30 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के ऊपर भी एक वीडियो अपलोड हुई है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट, हमारी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। और साथ ही जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन है उसमें भी आपको उन वीडियोज़ का लिंक मिल जाएगा। बाकी करंट अफेयर्स की वीडियो डेली अपलोड होती है, दो मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो भी अपलोड हुई हैं, वो भी अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ उनको देखिए, आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल रहेगी, आपको बहुत बेनिफिट होगा इसका। सो वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही हमारी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड आपके एग्ज़ाम से पहले पहले जम्मू कश्मीर के सारे जो भी है जनरल नॉलेज, वो हम सारा डिस्कस करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। सो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी हमारी वीडियो अपलोड हो, जैसे अपलोड हो, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो और हम हमें जो PDF इस वीडियो की, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं PDF के लिए, वहाँ पे आपको सारी PDFs मिल जाएंगी सभी वीडियोस की। सो आप वहाँ पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। सो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होगा। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले हैं प्रोफेसर रामनाथ शास्त्री, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं जम्मू एंड कश्मीर की। इन फादर ऑफ डोगरी भी इनको बोला जाता है, ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ डोगरी। काफ़ी जाने माने डोगरी पोइट हैं, ड्रामाटिस्ट, एक्टर और फिक्शन राइटर हैं ये, ठीक है। इन्होंने एक डोगरी डिक्शनरी भी एडिट की थी। एंड बोर्न हुए थे 15 अप्रैल 1914 जम्मू में, इनका बर्थ हुआ था। एंड 8 मार्च 2009 में इनका जम्मू में डेथ भी हो गई थी, ठीक है। इनके जो इनको अवार्ड्स मिले हैं, जो इंपॉर्टेंट अवार्ड्स इनको मिले हैं, साहित्य अकेडमी फेलोशिप इनको 2001 में मिली थी, देन पद्मश्री अवार्ड 1990 में इनको दिया गया था, जो कि सिविलियन अवार्ड है इंडिया का। फिर साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन 1977 में, फिर स्टेट अकेडमी अवार्ड फॉर कलेक्शन ऑफ डोगरी गर्ल तकलिया 1991 में, साहित्य अकेडमी ट्रांसलेशन प्राइज फॉर डोगरी ट्रांसलेशन ऑफ संस्कृत ड्रामा। इन्होंने एक संस्कृत ड्रामा को डोगरी में ट्रांसलेट किया था, एज मिट्टी दी घड़ी 1989 में, उसके लिए इनको साहित्य अकेडमी ट्रांसलेशन प्राइज मिला था। देन स्टेट अकेडमी अवार्ड फॉर हिज डोगरी प्रोज वर्क डुगर दे लोकनायक 1981 में इनको ये दिया गया था, ठीक है। सो ये हैं हमारे प्रोफेसर रामनाथ शास्त्री, जिनको फादर ऑफ डोगरी बोला जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड जो भी इनके अवार्ड्स ऑनर्स इनको दिए गए थे, वो भी हमने यहाँ पे आपको बताए हैं। सी नेक्स्ट हमारे हैं तीर्थ सिंह ठाकुर। आपको पता ही होगा, काफ़ी जाने माने इंसान हैं ये जम्मू कश्मीर के। 43rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं, और मतलब 3 दिसंबर 2015 से 4 जनवरी 2017 तक इन्होंने मतलब ऑफिस लिया था एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। रामबन इनका जो बर्थ प्लेस है, एंड इनको अपॉइंट एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किया था लेट प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी जो उस टाइम हमारे प्रेसिडेंट थे, अब उनका मतलब डेथ हो गई है। सो प्रणब मुखर्जी ने इनको एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट किया था। सो ही इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तीरथ सिंह ठाकुर, ठीक है। सो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। देन हमारे आते हैं वेद राही, ठीक है। वेद राही जो हैं, ये भी जम्मू से रिलेटेड हैं, जम्मू कश्मीर से हैं, फिल्म डायरेक्टर नॉवलिस्ट हैं, ठीक है। इनके जो फादर थे लाला मूर्ख राज सरफ, उन्होंने जो फर्स्ट एवर न्यूज़पेपर इन जम्मू कश्मीर में स्टार्ट किया था, जिसका नाम था रणबीर इन 1924 में उन्होंने फर्स्ट एवर न्यूज़पेपर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टार्ट किया था, जो कि वेद राही के फादर थे राजा मुल्कराज सरफ ने, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन
काफ़ी सारी स्टोरीज, मतलब 25 हिंदी जो फीचर फिल्म्स थी उनके लिए इन्होंने स्टोरीज लिखी, फिल्म स्क्रिप्ट्स लिखी, डायलॉग्स भी लिखे हैं एंड 5 फिल्म्स इन्होंने डायरेक्ट भी की हैं। जिनका मोस्ट फेमस पॉपुलर टीवी सीरियल था वो था गुल गुलशन गुलफाम। आप में से बहुत को ये सीरियल के बारे में पता भी होगा। सो इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट पॉपुलर टीवी सीरियल था, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने वीर सावरकर जो कि इंडियन रेवोल्यूशनिस्ट थे तो उनके ऊपर भी इन्होंने एक फिल्म बनाई है वीर सावरकर, ठीक है। उसके अलावा इनको अवार्ड्स दिए गए हैं जैसे साहित्य अकेडमी अवार्ड इनको 1983 में दिया था डोगरी नॉवल आले के लिए, ठीक है। फिर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 1990 में इनको दिया था महापंडित राहुल संस्कृतायन अवार्ड। इनको केंद्रीय हिंदी जो संस्थान थी 2011 में उन्होंने इसको ये दिया था एंड गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने 2012 में इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट जो अवार्ड्स जो इनको दिए गए हैं। नेक्स्ट इज प्रेमनाथ डोगरा जो हैं इनको शेरे डुगर भी बोला जाता है। काफ़ी प्रोमिनेंट लीडर हैं जम्मू कश्मीर के जिन्होंने जो टोटल इंटीग्रेशन के लिए काम किया इंडिया की, ये जो 370 आर्टिकल है उसके अगेंस्ट थे। ये क्या इनका मानना था कि एक मतलब सिंगल से जो टोटल इंटीग्रेशन होनी चाहिए स्टेट की, मतलब जम्मू कश्मीर स्टेट है इंडिया के साथ उसकी, ठीक है। इसलिए इन्होंने एक प्रजा परिषद पार्टी 1947 में फॉर्म की थी अलॉन्ग विद बलराज मदोक के साथ, और इन्होंने क्या किया था जो शेख अब्दुल्ला की पॉलिसीज थी उनको अपोज किया था। ये उसके अगेंस्ट थे, उसके क्रिटिक थे, ठीक है। जम्मू में इनका बर्थ हुआ था 24 अक्टूबर 1884 में एंड 20 मार्च 1972 में इनकी डेथ हो गई थी। सो मेन इनका कि शेर डुगर इनको कहा जाता था और ये टोटल इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट विद इंडिया के लिए इन्होंने काम किया था, ठीक है। और प्रजा परिषद पार्टी है उसको इन्होंने 1947 में फॉर्म किया था। नेक्स्ट हमारा है बजन सपोरी जी। ये इनका बर्थ 1948 में श्रीनगर कश्मीर में हुआ था, जो सोपोर वैली है कश्मीर में वहाँ पे। सो संतूर प्लेयर हैं ये, इंडियन इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हैं जो कि संतूर प्ले करते हैं। संतूर जो कि जम्मू कश्मीर का ही एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है संतूर, वो संतूर प्लेयर हैं ये एंड सूफियाना घराना है जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है उससे ये बिलोंग करते हैं, ठीक है। सो इनको अवार्ड्स मिले, संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड मिला था इनको 1993 में, 2004 में इनको पद्मश्री मिला था, बाबा अलाउद्दीन खान अवार्ड इनको 2009 में मिला था, एम एन माथुरोवा 2011 में एंड जम्मू कश्मीर स्टेट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको मिला था। सो ये इंपॉर्टेंट अवार्ड्स बजन सपोरी के जो उनको मिले थे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है सतीश धवन, ठीक है। सतीश धवन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं हमारे जम्मू कश्मीर की, इंडियन मैथमेटिशियन हैं, एरोस्पेस इंजीनियर हैं। इनको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फ्लूड डायनेमिक्स रिसर्च भी कहा जाता है, ठीक है। इंडिया में काफ़ी रिसर्चेज इन्होंने की हुई हैं। 25 सितंबर 1920 श्रीनगर में इनका बर्थ हुआ था एंड बेंगलुरु में इनकी डेथ हुई थी ठीक है। जो थर्ड चेयरमैन थे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के 1972 में बने थे थर्ड चेयरमैन ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अवार्ड्स की बात करें पद्म भूषण इनको 1981 में मिला था, पद्म भूषण इनको 1971 में मिला था, इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन मिला था इनको 1999 में एंड जो डिस्टिंग्विश्ड एलुमनस अवार्ड इंडियन इंस्टीट्यूट जो है ये भी इनको मिला था ऑफ सर्विस साइंस सॉरी नेक्स्ट इज डिस्टिंग्विश्ड एलुमनस अवार्ड कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1969 में ये भी इनको दिया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स जो कि सतीश धवन को दिए गए थे उनकी लाइफ में। नेक्स्ट इज पद्म सचदेवा, आपने नाम भी सुना होगा इनका, काफ़ी अच्छी पोइट हैं ये, इनके पोइम्स भी काफ़ी अच्छे होते हैं। सो ये भी इंडियन पोइट और नॉवलिस्ट थी एंड फर्स्ट मॉडर्न वुमेन पोइट थी डोगरी लैंग्वेज की। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि ये फर्स्ट मॉडर्न वुमेन पोइट थी डोगरी लैंग्वेज की, कौन? पद्म सचदेवा।
इनके अवार्ड्स में आता है साहित्य अकेडमी अवार्ड इनको 1971 में मिला था, पद्मश्री अवार्ड इनको 2001 में मिला था, सरस्वती सम्मान इनको 2015 में दिया गया था, दीनूभाई पंत लाइफ अचीवमेंट अवार्ड इनको 2017 में मिला था एंड कबीर सम्मान फॉर पोएट्री इन 2007-8 में इनको दिया गया था। सो आपने इनका नाम तो सुना ही होगा और इनकी पोइम्स भी शायद पढ़ी ही होंगी, काफ़ी जानी मानी पोइट हैं ये। सो फर्स्ट मॉडर्न वुमेन पोइट ऑफ डोगरी लैंग्वेज। नेक्स्ट है हमारा कर्नल रणबीर सिंह जम्वाल, जो कर्नल रणबीर सिंह जम्वाल है इंडियन आर्मी के ऑफिसर हैं। ऑब्वियसली जब कर्नल हैं तो इंडियन आर्मी के ऑफिसर हैं। फर्स्ट इंडियन हैं जिन्होंने 7 समिट्स जो क्लाइम किए और साथ साथ जो माउंट एवरेस्ट है उसके 3 टाइम उसको क्लाइम किया हुआ है। उसके अलावा मतलब इंक्लूडिंग दीज 30 माउंटेनियर एक्सपीडिशन उनके क्रेडिट में हैं अक्रॉस द 7 कॉन्टिनेंट्स। जो हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं उनमें सब में 30 माउंटेनियर जो एक्सपेडिशन हैं जो वो इनके क्रेडिट में आती हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है कि फर्स्ट इंडियन हैं जिन्होंने 7 समिट्स और माउंट एवरेस्ट 3 टाइम्स क्लाइम किया हुआ है। अवार्ड्स की बात करें, टेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड दिया गया था इनको 2013 में एडवेंचर के लिए, विशिष्ट सेवा मेडल 2015 में इनको मिला था और इंडियन माउंटेनियर फाउंडेशन गोल्ड मेडल 2017 में, शेर कश्मीर स्पोर्ट्स अवार्ड इन 2016। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड जो इनको दिए गए हैं, किसको, कर्नल रणबीर सिंह जम्वाल को, जो फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने 7 समिट्स एंड माउंट एवरेस्ट का 7 समिट्स क्लाइम किए थे और माउंट एवरेस्ट 3 टाइम्स इन्होंने क्लाइम किया था। नेक्स्ट इज हब्बा खातून, जो नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर जिनको कहा जाता है। ठीक है, हब्बा खातून मुस्लिम पोइट थी, ये कश्मीरी मुस्लिम पोइट थी एंड जो इनकी मतलब जो लास्ट रूलर थे कश्मीर के यूसुफ शाह चक, उनकी वाइफ थी कौन, हब्बा खातून। ठीक है, जो हब्बा खातून थी कौन थी, नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर इनको बोला जाता है, कश्मीरी मुस्लिम पोइट थी एंड जो लास्ट रूलर ऑफ कश्मीर थे यूसुफ शाह चक, इनकी वाइफ थी। तो इम्पॉर्टेंट क्या होता है, नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर इनको बोला जाता था और मुस्लिम पोइट थी। नेक्स्ट इज बादशाह जैनुल अबदीन बादशाह, ये भी कश्मीरी रूलर थे एंड इनको फाउंडर ऑफ कश्मीरी शॉल्स बोला जाता है। ठीक है, जो लोग थे इनको बादशाह बोलते थे, बादशाह मतलब ग्रेट किंग, क्यों, इनकी काइंडनेस, इनकी जस्टिस और जो इनका लोगों के लिए प्यार था उसकी वजह से इनको बादशाह भी बोला जाता है। ठीक है, और मेन क्या है कि फादर ऑफ कश्मीरी शॉल्स इनको बोला जाता है। नेक्स्ट इज मुफ्ती मोहम्मद सईद, मुफ्ती मोहम्मद सईद आपको पता ही होगा, जो जम्मू कश्मीर के 2 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके थे एंड इंडिया को एज इन होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी इन्होंने सर्व किया था फ्रॉम 1989 to 1919। 2 बार चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आ चुके हैं। 1999 में इन्होंने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जम्मू कश्मीर में फाउंड की थी, से जो इम्पोर्टेंट इनके लाइफ टाइम में जो भी हुआ एंड आपको पता ही इनकी डेथ हो गई थी। इनको आगे सक्सीड किसने किया था, इनकी बेटी ने, जिनका महबूबा मुफ्ती जिनका नाम था। ठीक है, सो मुफ्ती मोहम्मद सईद चीफ जस्टिस से 2 बार बने थे जम्मू कश्मीर के, उसके बाद होम मिनिस्टर रह चुके थे इंडिया के 1989 से 1990 तक एंड 1999 में इन्होंने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी फाउंड की थी जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे आते हैं महर चंद महाजन, इनका इम्पोर्टेंट क्या है कि ये 3rd चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के और महाराजा हरि सिंह के टाइम में जे एंड के प्राइम मिनिस्टर भी इन्होंने सर्व किया था। सो इम्पोर्टेंट क्या, 3rd चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के एंड प्राइम मिनिस्टर थे जे एंड के, किसकी रीन में, महाराजा हरि सिंह की रीन में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है विद्युत जम्वाल, आप सभी को पता होंगे ऑब्वियस सी बात है, विद्युत जम्वाल जाने माने इंडियन एक्टर हैं एंड मार्शल आर्टिस्ट है, स्टंट परफॉर्मर है। ठीक है, बेस्ट नोन किस मतलब सबसे इनके जो बेस्ट इस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, जो इनकी कमांडो सीरीज़ है, फिल्म सीरीज़ है कमांडो, आपने देखी होगी, काफ़ी अच्छी मूवीज़ हैं तो उनके लिए जाने जाते हैं एंड 2018 में इनको जो टॉप 6 मार्शल आर्टिस्ट हैं अराउंड वर्ल्ड उनमें इनको शामिल किया गया था। ठीक है, सो इंडियन एक्टर है, मार्शल आर्टिस्ट है, स्टंट परफॉर्मर हैं, बेस्ट अपने जाने जाते हैं फिल्म सीरीज़ के लिए, कमांडो सीरीज़ के लिए एंड टॉप 6 मार्शल आर्टिस्ट हैं जो अराउंड द वर्ल्ड 2018 में इनको शामिल किया गया था उसमें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कल्हना, कल्हना जो इनका एक ही है कि इन्होंने राज तिरंगे ने लिखी थी जिसमें आपको कश्मीर की फुल हिस्ट्री मिलती है, कश्मीर में क्या कब क्या हुआ वो सारी कश्मीर की हिस्ट्री इन्होंने राज तिरंगनी जो बुक है इनकी उसमें लिखी हुई है। तो कल्हन की जो मेन मतलब जो इनका वर्क है वो ये है कि उन्होंने राज तिरंगे लिखी थी जिसमें कि कश्मीर की हिस्ट्री है। ठीक,
नेक्स्ट हमारा आता है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, ठीक है, ये नाम भी काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी पॉपुलर पर्सनैलिटी है जम्मू कश्मीर। इनको पॉपुलरली क्या बोला जाता था, शेर कश्मीर इनको बोला जाता है। इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी फाउंड की थी 1932 में, जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, ठीक है, जिसका 7 साल बाद नाम चेंज करके रख दिया गया 1939 में नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो अभी भी चल रही है, आपको पता ही होगा। एंड सेकेंड प्राइम मिनिस्टर ये बने थे, प्रिंसली स्टेट थी जम्मू कश्मीर की 1948 में से लेकर 1953 तक, एंड चीफ मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर के बने हैं 1952 से 1982 तक, ठीक है। सो इनका मेन क्या है कि एक तो उन्हें शेर कश्मीर इनको कहा जाता है, एंड सेकेंड इज इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी फाउंड की थी ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, एंड उसका नाम चेंज हो गया था आफ्टर सम टाइम, दैट इज 7 ईयर्स के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस हो गया था, ठीक है। सो ये इम्पॉर्टेंट है। जो फिर आ गया डॉक्टर करण सिंह, ठीक है, जो लास्ट रूलर थे हमारे प्रिंसली स्टेट जम्मू एंड कश्मीर के, महाराजा हरि सिंह, वो करण सिंह उनके बेटे थे, फादर थे हरि सिंह जी, करण सिंह जी के। सो लास्ट सरदार रियासत जिनको हम बोलते हैं वो थे जम्मू कश्मीर के, एंड फर्स्ट गवर्नर जम्मू कश्मीर स्टेट के, ठीक है, जम्मू कश्मीर प्रिंसली स्टेट के लास्ट सरदार रियासत थे एंड फर्स्ट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के थे। एंड अभी ये इंडिया की जो अपर हाउस है पार्लियामेंट का, उसके राज्यसभा के मेंबर हैं, एंड इनको पद्म विभूषण दिया गया था 2005 में, जो इम्पोर्टेंट अचीवमेंट इनकी है लाइफ में, ठीक है। तो सो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने प्रोफेसर रामनाथ शास्त्री के बारे में किया, फादर ऑफ डोगरी इनको बोला जाता है, ठीक है, जो इन्होंने एक डोगरी डिक्शनरी भी एडिट की थी, एंड डोगरी पोएट हैं, ड्रामेटिस्ट, एक्टर, फिक्शन राइटर हैं, एंड देन उनको अवार्ड्स मिले थे, साहित्य अकेडमी फेलोशिप, पद्मश्री, साहित्य अकेडमी अवार्ड, फिर स्टेट अकेडमी अवार्ड, साहित्य अकेडमी ट्रांसलेशन प्राइज, स्टेट अकेडमी अवार्ड फिर डोगरी प्रोज वर्क के लिए, ठीक है, डोगर दिल लोकनायक जिसका नाम था, ठीक है। उसके बाद हम तीरथ सिंह ठाकुर के बारे में किया, 4th चीफ जस्टिस थे इंडिया के, 3rd दिसंबर से 2015 से 4 जनवरी 2017 तक इन्होंने एज चीफ जस्टिस सर्व किया था, ठीक है। रामबन में इनका बर्थ हुआ, तो इनको एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट किसने किया था, प्रणब मुखर्जी ने, लेट प्रणब मुखर्जी ने, उनका क्योंकि अब निधन हो गया है। उसके बाद हमने वेद राही जी के बारे में किया, इंटरिम फिल्म डायरेक्टर, नॉवलिस्ट थे, उनके फादर थे लाला मुल्क राज सरफ, उन्होंने जो प्रिंसली स्टेट थी जम्मू कश्मीर का, उसका फर्स्ट एवर न्यूज़पेपर उन्होंने स्टार्ट किया था, जिसका नाम रणबीर था, 1924 में उन्होंने इसको स्टार्ट किया था, ठीक है। काफ़ी सारी पिक्चर्स के लिए उन्होंने जो स्टोरीज और फिल्म स्क्रिप्ट और डायलॉग्स लिखे थे, एंड 5 फिल्म्स उन्होंने डायरेक्ट भी की थी। गुल गुलशन गुल फार्म उनका मोस्ट पॉपुलर टीवी सीरियल था, एंड एक फिल्म भी उन्होंने बनाई थी वीर सावरकर 2001 में। अवार्ड्स इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था डोगरी नॉवल आले के लिए, जिसका नाम था आले। महाराष्ट्र गौरव इनको दिया गया था। महापंडित राहुल संस्कृतायन अवार्ड इनको मिला था, एंड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने इनको 2012 में दिया था। देन प्रेमनाथ डोगरा, जिनको हम शेर डुगर भी बोलते हैं, ठीक है, लीडर थे जम्मू कश्मीर के, काफ़ी प्रोमिनेंट लीडर थे, जिन्होंने टोटल इंटीग्रेशन थी जो स्टेट की इंडिया के साथ, उसको इन्होंने सपोर्ट करते थे, ये उसके लिए इन्होंने काम किया था। प्रजा परिषद पार्टी 1947 में फॉर्म की थी, और जो भी शेख अब्दुल्ला की जो पॉलिसीज थी उनको अपोज किया था, क्रिटिक थे उसके लिए, एंड 1972 में इनकी जम्मू में डेथ हो गई थी, ठीक है। उसके बाद हमारे बजन सपूरी आते हैं, जो कि इंडियन इंस्ट्रूमेंटलिस्ट थे, श्रीनगर सपोर वैली में इनका बर्थ हुआ था, एंड संतूर प्लेयर थे। संतूर एक जो जम्मू कश्मीर का ही एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो संतूर प्लेयर थे, और जो सूफियाना घराना था इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का, उसे ये बिलोंग करते थे, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमने उनके अवार्ड्स किए थे, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड उनको दिया गया था, पद्मश्री, बाबा अलाउद्दीन खान अवार्ड उनको दिया गया था, अमिन ठाकुर अवार्ड उनको दिया था, जम्मू कश्मीर स्टेट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उनको दिया गया था। नेक्स्ट हमने किया था सतीश धवन, जो कि इंडियन मैथमेटिशियन और एयरोस्पेस इंजीनियर थे, इनको फादर ऑफ एनवायरमेंटल फ्लूइड डायनेमिक्स रिसर्च इन इंडिया भी कहा जाता था। श्रीनगर में इनका बर्थ हुआ था, एंड इनकी डेथ बेंगलुरु में हुई थी। 3rd चेयरमैन थे ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है। फिर पद्म भूषण इनको दिया गया था, इंदिरा गांधी अवार्ड दिया गया था नेशनल इंटीग्रेशन के लिए, फिर एल्मिनस अवार्ड इनको दिया गया था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने दिया था, फिर एल्मिनस अवार्ड कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने दिया था, ठीक है। फिर पद्म सचदेवा हमने किया, इंडियन पोइट और नॉवलिस्ट हैं, फर्स्ट मॉडर्न वुमेन पोइट हैं डोगरी लैंग्वेज की। अवार्ड साहित्य अकेडमी अवार्ड उनको मिला
मिला है, पद्मश्री अवार्ड मिला था, सरस्वती सम्मान मिला था, दीनूभाई पंत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था, कबीर सम्मान मिला था पोइट्री के लिए, ठीक है। उसके बाद हमने क्या, कर्नल रणबीर सिंह जम्वाल जी के बारे में, इंडियन आर्मी के ऑफिसर हैं वो और फर्स्ट इंडियन हैं जिन्होंने 7 समिट्स को क्लाइंब किया था एंड माउंट एवरेस्ट को 3 टाइम उन्होंने क्लाइंब्स किया था, ठीक है। बाकी तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड उनको दिया गया था, विशिष्ट सेवा मेडल उनको मिला था, इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन गोल्ड मेडल उनको दिया था, शेर कश्मीर स्पोर्ट्स अवार्ड भी उनको दिया गया था। उसके बाद हम हब्बा खातून जी के बारे में हमने किया, जिनको नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर बोला जाता है, वो एक मुस्लिम पोइट थी, ठीक है, कश्मीरी पोइट थी, और जो हमारे लास्ट रूलर थे कश्मीर के यूसुफ शाह चक उनकी वाइफ थी, ठीक है, कौन, हब्बा खातून। उसके बाद हमने बादशाह जैनुल अबदीन के बारे में किया, जिनको फाउंडर ऑफ कश्मीरी शॉल बोला जाता है, एंड जो लोग थे उनको बादशाह बोलते थे, जिसका मतलब होता है ग्रेट किंग, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा काइंड थे, जस्टिस करते थे और लोगों से प्यार भी करते, इसलिए उनको बादशाह बोला जाता था। नेक्स्ट हमने किया मुफ्ती मोहम्मद सईद के बारे में, जो कि 2 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके थे जम्मू कश्मीर के, एंड इंडिया के होम मिनिस्टर भी उन्होंने सर्व किया था 1989 से 1990 तक, और 1999 में उन्होंने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी PDP जो पार्टी है उसको उन्होंने फाउंड किया था, ठीक है। और फिर नेक्स्ट हमने महरचंद महाजन किया, जो कि 3rd चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के थे एंड प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके थे J&K के महाराजा हरि सिंह के टाइम में। उसके हमने बाद हमने विद्युत जम्वाल जी के बारे में पढ़ा, इंडियन एक्टर हैं, मार्शल आर्टिस्ट एंड स्टंट परफॉर्मर हैं, बेस्ट जाने जाते हैं अपनी जो एक्शन फिल्म की सीरीज़ है कमांडो सीरीज़ है उसके लिए, एंड 2018 में इनको जो टॉप 6 मार्शल आर्टिस्ट हैं अराउंड द वर्ल्ड उनमें इनको शामिल किया गया था। उसके बाद कल्हाना के बारे में पढ़ा, उन्होंने राज तिरंगिनी लिखी है जिसमें आपको कश्मीर की फुल हिस्ट्री पढ़ने को मिलती है। नेक्स्ट हमने किया शेख अब्दुल्ला, जो कि उनको जिनको पॉपुलरली हम शेर कश्मीर बोलते थे, उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी फाउंड की थी ऑल कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस 1932 में, जिसका 7 साल बाद नाम चेंज करके नेशनल कॉन्फ्रेंस रख दिया गया 1939 में, ठीक है। सेकंड प्राइम मिनिस्टर ये प्रिंसली स्टेट जम्मू एंड कश्मीर के बने थे एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के भी बने थे ये, ठीक है। लास्ट हमने किया डॉक्टर करण सिंह, जो कि जो हमारे लास्ट महाराजा थे महाराजा हरि सिंह जी, उनके बेटे थे करण सिंह जी, ठीक है। लास्ट सरदार रियासत थे जम्मू कश्मीर के एंड फर्स्ट गवर्नर थे जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के, एंड उसके बाद ये इंडिया का जो अपर हाउस है पार्लियामेंट का राज्यसभा उसके मेंबर रह चुके हैं, जो पद्म विभूषण है इनको 2005 में दिया गया था। सो ये इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं जो जम्मू एंड कश्मीर के, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। सो ये सारी हमने डिस्कस की, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि जैसे ही हमारी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसका फुल बेनिफिट ले सकें। आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पे आपको सारी PDFs मिल जाएंगी। इस वीडियो की PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर आपको जो पहले वीडियो अपलोड हुई है उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं, नहीं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियोज़ मिल जाएंगी। बाकी आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, एंड जल्दी ही इस नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड होने वाली है। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।